दोस्तों नमस्कार। गौरवशाली स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त जैसा कि नाम से इंगित है, हमारे देश को स्वाधीनता मिली थी आज, और इसी दिन रेल फैन के लिए भी एक बड़ी खुशी की बात थी कि इस 15 अगस्त 1998 को 14707 बीकानेर से रणकपुर जो ट्रेन चलती थी उसका भी इनॉग्रेशन हुआ था, जो कि ब्रॉडगेज के रूप में पहली बार चली थी। तो आज हम इसी गाड़ी की चर्चा करेंगे और थोड़ा सा इतिहास बीकानेर के बारे में भी जानते ही जा चलते हैं। ये जो आपको बीकानेर का रेलवे स्टेशन दिख रहा है, जो आज जिस हालत में है, जो शानदार निर्माण का कार्य जिन्होंने किया था, जिनको भी लोग अक्सर भूल चुके हैं, बहुत सारे लोग जो यार उनको जानते भी नहीं, वो थे सर सेठ कस्तूर सिंह डागा। ये दीवान बहादुर 1855 से 1917 तक एक बहुत बड़े व्यापारी, एक जमींदार, परोपकारी और एक बहुत एंटरप्रेन्योर, अग्रणी पायोनियर थे जिनका काम किया था। और इनके तत्वावधान में बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन जिसका कि मैंने जिक्र किया 1891 में शुरू हुआ था, परंतु उस समय महाराजा बीकानेर के पास धन का अभाव था और वो इतना धन जुटा नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में बीकानेर रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए सन 1891 यानी कि उस साल में जब लोगों को खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती थी, 1891 में राय बहादुर दीवान बहादुर सर कस्तूर चंद डागा, जिन्होंने 3,46,000 रुपये का उस समय दान दिया था महाराजा बीकानेर को दिया था, जिससे कि ये रेल लाइन और रेलवे स्टेशन बनने के लिए तैयार हुआ था। राय बहादुर दीवान बहादुर सर कस्तूर चंद डागा व्यापारी थे, उन्होंने राजस्थान में नेटवर्क के विस्तार के लिए 3,46,000 का तो दान दिया ही था, साथ में इन कस्तूर चंद डागा जी ने 3.7 लाख रुपए का दान दिया था, जिसमें और रेलवे स्टेशन बनाने में और मदद मिली। इन्होंने अकेले राजस्थान के रेलवे के नेटवर्क के लिए 3.46 लाख रुपए का धन दिया था। कस्तूर चंद जी अपनी उद्यमशीलता और बैंकिंग यात्रा नागपुर से उन्होंने शुरू की थी और अपने बैंकिंग व्यवसाय का विस्तार लाहौर अब पाकिस्तान और से यांगून या अब बर्मा में है, जो यूरोप तक फैले थे। इनके बैंक बहुत बड़े बड़े बैंक थे जिनसे लेन देन करते थे। JBR जोधपुर बीकानेर रेलवे, इसकी रेलवे थी जो संयुक्त रूप से जोधपुर राज्य और बीकानेर राज्य, जो कि बीकानेर स्टेट एंड जोधपुर स्टेट के बीच के स्वामित्व में संचालित था। JBR की शुरुआत जोधपुर रेलवे के रूप में महाराजा जसवंत सिंह के निर्णय के साथ हुई थी, जिसमें बीटूरा से लेकर जोधपुर तक एक रेल लाइन का निर्माण किया गया था। इस कार्य के लिए ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डगलस जैकलिन को डेप्यूट किया था, जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के रूप में थे। ये उन्होंने अपने मीटर गेज सेक्शन बीटूरा पाली खंड का निर्माण 16 फरवरी 1881 को शुरू किया और 28 फरवरी 1882 को ये पूरी तरह कम्प्लीट हो गया। इसके बाद वाल्टर होम जो कि इनके बाद के सक्सीडेड थे जैकलिन के बाद, 1882 में इन्होंने अपनी कमान संभाली और इन्होंने ये भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के इंजीनियर थे और अपॉइंट किया था एज ए कंस्ट्रक्शन और कमान सौंपी गई थी। वाल्टर होम जो अप्रैल 1882 में जोसलिन के उत्तराधिकारी बने थे, PW के अंदर रेलवे शाखा में इनको तैनात किया गया। जोधपुर रेलवे के निर्माण के लिए प्रबंधक और मारवाड़ राज्य लोक निर्माण विभाग के रूप में प्रभारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था और 25 साल तक लगातार उन्होंने जोधपुर रेलवे का निर्माण किया था। जोधपुर रेलवे का पहला खंड मारवाड़ जंक्शन से पाली तक का 1882 में और लूनी तक 1884 में यातायात के लिए खोल दिया गया था। 30 जुलाई 1889 को ब्रिटिश सरकार जोधपुर के महाराजा और बीकानेर के महाराजा के बीच जोधपुर तथा बीकानेर रेलवे के निर्माण के लिए समझौते हुए थे 30 जुलाई 1889 को। और ये समझौता एक अपने आप में अद्वितीय था। इसमें पहले सारे का ये समझौता था जिसमें दोनों देशी शासकों ने बड़े पैमाने पर जनता और जनता के लाभ के लिए एक उद्यम में सहयोग दिया था, अद्भुत सहयोग दिया था और निवेश करने का फैसला किया था। जोधपुर रेलवे का नाम बदलकर जोधपुर बीकानेर रेल्वे JBR कर दिया गया था। वाल्टर होम अब JBR के प्रबंधक के रूप में पदोन्नत हो गए थे और अधीक्षण इंजीनियरिंग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में आ चुके थे। 1891 में जोधपुर से बीकानेर तक रेलवे के निर्माण में तेजी से प्रगति हुई, बाद में बठिंडा तक ये बढ़ा दी गई। तो ये भी मैं छोटी सी आपको एक बात बताता चलूँ, 1891 जो सन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1891 में रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए सन 1891 यानी कि उस साल 1891 में राय बहादुर दीवान बहादुर सर कस्तूर चंद डागा,
जिन्होंने 3,46,000 रुपये का उस समय दान दिया था रेलवे बनाने के लिए, और ये दान महाराजा बीकानेर को दिया था जिससे कि ये रेल लाइन और रेलवे स्टेशन बनने के लिए तैयार हुआ था। राय बहादुर दीवान बहादुर सर कस्तूर चंडागा एक व्यापारी थे, उन्हें राजस्थान में नेटवर्क के विस्तार के लिए 3,46,000 का तो दान दिया ही था, साथ रेल लाइन में और रेलवे स्टेशन बनाने में और मदद मिली। इन्होंने अकेले राजस्थान की रेलवे की नेटवर्क के लिए 1407 जो पहले 9:30 बजे चलती थी, जिसका इनॉग्रेशन शनिवार अगस्त 15, 1998 को हुआ था एज ए ब्रॉडगेज के अंदर। उससे पहले मीटर गेज में चलती थी जो कि बंद हो चुकी थी। ये सन 22/3/2020 को बंद हो चुकी थी जो कि फिर दोबारा चली है और इसके नए टाइम टेबल के साथ चली है। 4707 ट्रेन बीकानेर से 7:50 पे 7 दिन चलती है, सप्ताह के 7 दिन चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और अगले दिन एक रात के बाद दादर वेस्टर्न के अंदर 7:10 पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे पहुंचती है। लोगों की अगर इसकी बात करें तो बीकानेर से अहमदाबाद तक इसके अंदर BGKT का WDP4 या WDP4D इंजन लगता है, और अहमदाबाद से दादर तक इसमें बड़ौदा का WAP5 या WAP7 लोग को इसको कॉल करके लेके जाते हैं। कुल ट्रैवल टाइम की बात करें तो 23:20 ट्रैवल टाइम मिलती है 29 हार्ट के साथ, डिस्टेंस 1218 किलोमीटर की कवर करती है। बीकानेर की अगर बात करें तो पहली जो राजस्थान से बीकानेर के लिए रेल चली थी वह थी फर्स्ट रेलवे लिंक जो बीकानेर में एस्टेब्लिश हुई थी 9 दिसंबर 1891 को, पहली बार जोधपुर स्टेट रेलवे के साथ इनका संयोजन के द्वारा हुई थी, जो कि बीकानेर स्टेट रेलवे के साथ जोधपुर स्टेट रेलवे में आपस में दोनों में एक ट्रेन चली थी 9 दिसंबर 1891 को। बीकानेर स्टेट रेलवे जो थी ये 1924 में इसका निर्माण हुआ था, और डायरेक्ट रेल लिंक जो था बीकानेर से दिल्ली के बीच वह 1941 में चालू हुआ था। ये सभी मीटर गेज के अंदर थे। बीकानेर डिवीज़न का जो फॉर्म हुआ था फॉर्मेशन 1952 में हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें दिल्ली रेवाड़ी फाजिलका सेक्शन को बीकानेर स्टेट रेलवे के साथ अमलगमेट कर दिया गया था, और फिर इसके बाद ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के बीकानेर डिवीज़न का भाग बन गया था। अक्टूबर 2002 में NWR को कन्वर्ट कर दिया, NWR का जोन बना दिया गया था। कुल ये मीटर गेज की 1800 किलोमीटर की रेल लाइनें थी जो कि राजस्थान हरियाणा पंजाब और दिल्ली में फैली हुई थी। ब्रॉड गेज कन्वर्जन के लिए 1978 में सबसे पहले अभियान छेड़ा गया था, जो जिसमें कोट कपूरा फाजिलका फिरोजपुर डिवीज़न वगैरह वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिए गए थे।
और इसके बाद बठिंडा रेवाड़ी सेक्शन 1994 के में कर दिया गया था। इसके अल्टरनेटिव ब्रॉडगेज भी साथ साथ बन रहा था, जिसमें ये अम्बाला फिरोजपुर डिवीज़न वेस्टर्न रेलवे के साथ भी इस पर बन रहा था, और सिमिलरली मेड़ता रोड भी ब्रॉडगेज हो रहा था, और इस साइड में नॉर्थ साउथ डिवीज़न जिसमें बठिंडा लालगढ़ बीकानेर मेड़ता रोड जयपुर बीकानेर मेड़ता रोड अहमदाबाद वगैरह वगैरह सारे ब्रॉडगेज कन्वर्जन में कंटिन्यू हो रहे थे। स्टीम इंजन को लास्ट बार जनवरी 1994 में फाइनली गुड बाई कह दिया गया था, और मीटर गेज वाल्व पूरी तरह से जनवरी 1994 के बाद डिसकंटिन्यू कर दी गई थी सारे राजस्थान में। स्टीम जो इंजन थे पूरी तरह क्लोज करके इसको डीजलाइज कर दिया गया था। NWR रेलवे बनाने के बाद रेवाड़ी दिल्ली सराय रोहिला जो डिवीज़न थे दिल्ली की, वो दिल्ली डिवीज़न को सौंप दिए गए थे। इसी प्रकार ब्रॉडगेज लिंक जो था कोलाय से फलोदी 112 किलोमीटर का, उसको 18 जून 2007 में बना दिया गया था, और कन्वर्ट जो रेवाड़ी सादुलपुर का था ये 17-9-2008 को इस सेक्शन पूरा कर दिया गया था। सादुलपुर हिसार 26-1-2009 को कर दिया गया था। सादुलपुर रतनगढ़ 1-8-2010 को सेक्शन पूरा कर दिया था ब्रॉडगेज में। बीकानेर रतनगढ़ सेक्शन ब्रॉडगेज के अंदर 30-3-2011 को बन चुका था, और ये फ्रेट जो इसका था ऑपरेशन हो चुका था 2008 से ही।